आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। मुरादाबाद जिले में पीतल उद्योग के पूरे दिन थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार आर्थिक मंदी से जूझ रहे पीतल कारोबार को कई ईरान ने बड़ा झटका दे दिया है। परमाणु प्रचार कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की वजह से अमेरिका सहित कई देशों ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसकी वजह से ईरान ने भारत से आयात किए जाने वाले 1300 से अधिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंधन के चलते अकेले पीतल कारोबार को ही 500 करोड़ रुपए की चपत लगी है। ईरान से मिले पुराने ऑर्डर बनकर तैयार हैं, लेकिन अब खरीदार उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। तैयार सामान बंदरगाहों पर फंसा हुआ है और जो ऑर्डर भेजे गए हैं उनकी पेमेंट उधर से लटकी हुई है। मुरादाबाद के बड़े निर्यातकों में शामिल सतपाल सिंह पिछले कई दिनों से अपने ईरानी खरीदारों को ऑर्डर कंफर्म करने के मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन उनके भेजे मैसेजों का कोई जवाब नहीं मिल रहा। अकेले सतपाल ही नहीं, दर्जनों निर्यातक ईरानी खरीदारों से संपर्क करने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन प्रतिबंध के बाद खरीदार ऑर्डर लेने से बच रहे हैं। एरियल की कीमत में गिरावट के बाद ईरान ने भारत से आयात होने वाले 1340 उत्पादों पर बंद लगा दिया है, जिससे पीतल के सजावटी आइटम और अन्य पीतल उत्पाद भी शामिल हैं। हालांकि पीतल के बड़े एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किल कम है, लेकिन कोई छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए ईरानी संकट मुसीबत बनकर आया है। कई एक्सपोर्टर्स बिना पेमेंट के अपना ऑर्डर भेज चुके हैं, जो अब बंदरगाहों पर कस्टम क्लियरेंस के लिए अटका हुआ है। क्लियरेंस मिलने के बाद भी ऑर्डर ईरान नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए उसको वापस लेना निर्यातकों की मजबूरी बन गई है। वहीं एक्सपोर्टर्स उत्पादों की डिलीवरी नहीं हो पाने के चलते कारीगरों की पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। सरकार से आखिरी उम्मीद है, निर्यातक अपने ऑर्डर स्थानीय कारीगरों से तैयार करवाते हैं, लेकिन जब ऑर्डर नहीं मिल रहे तो कारीगर भी खाली हाथ बैठे हैं। मुश्किल है उन कारीगरों की ज्यादा है जो सिर्फ पीतल उत्पाद तैयार करते हैं, क्योंकि ईरान में ही शुद्ध पीतल उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। ईरान संकट का असर आने वाले समय में और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। संकट की घड़ी में निर्यातकों को सरकार से ही आखिरी उम्मीद है। निर्यातकों का कहना है कि सरकार को कारीगरों की मदद के लिए आगे आना चाहिए और कारीगरों को मुआवजा देना चाहिए। इस वक्त मुश्किल दौर है, वैसे ही हमारा हैंडीक्राफ्ट जो है वो करीब 20% मंदी के दौर से गुजर रहा है, और ये मंदी और गहराएगी। एक तो US ने ईरान के ऊपर तो सैंक्शन लगाने की तैयारी और कर दी है, स्टिफ सैंक्शन। उसने हिंदुस्तान को भी धमकाया है कि अगर आप ईरान से क्रूड ऑयल खरीदेंगे, चाइना को भी और टर्की को भी। अभी तक ईरान को जो माल हमारा एक्सपोर्ट होता था वो थर्ड पार्टी पेमेंट से होता था। वहाँ के लोग टर्की को पैसा भेजते थे, क्योंकि ईरान और टर्की के अंदर आपस में पैसों का लेन देन होता है और टर्की से पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता था, हम माल भेज देते थे। मैं दिसंबर में ईरान में था, उस वक़्त $1 के बदले में 4250 रियाल मिलते थे। 4250? हाँ जी। अच्छा, और ये पिछले सैटरडे जो अभी गुजरा है, मैं बात कर रहा हूँ 23 जून की, उसमें 7550 हो गए, और संडे को 8500 हो गए, और मंडे को 9000 हो गए। आगे क्या इम्पैक्ट होगा इसका, खासतौर पे एक्सपोर्टरों पे और कारीगरों पे? कारीगर जहाँ एक्सपोर्टरों पे तो इफेक्ट ये आ रहा है साहब कि माल अगर नहीं गए, जो तैयार पड़े हैं या अनफिनिश पड़े हैं, वो पीतल का और कोई कंट्री माल खरीदता नहीं है, तो अगर वो पीतल गलानी पड़ी तो 40-50% का लॉस होगा। तो कारीगरों के पास काम धंधा कम होगा। मैं तो भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी हैंडीक्राफ्ट दस्तकारी की इंडस्ट्री है, इसको बचाने के लिए उनको हर संभव कोशिश करनी चाहिए, और जो करेंसी फ्लक्चुएशन है इसके ऊपर भी ईरान सरकार से बात करें, ताकि हमारा जो काम है वो रुपी में चालू हो जाए। उसके लिए रिजर्व बैंक से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वो हमारे अकाउंट मुरादाबाद में खुलवाने का प्रबंध करें। अभी तक रुपी अकाउंट जो है वो सिर्फ दिल्ली में खुल रहे हैं, जो कि आप क्या मानते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। हमारी बहुत सारी आइटम ईरान को हम लोग बेचते थे और करीब 250 करोड़ रुपये का ये बिजनेस बर्बादी की कगार पर चला जाएगा। बहुत सारे निर्यातक, बहुत सारे कारखानेदार और बहुत सारे छोटे आर्टिजन जो स्वयं ईरान को अपना माल बेचते थे, उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, जिन लोगों पर माल तैयार रखा है, क्योंकि जब प्रतिबंध लग गया तो वो माल जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और जो माल उनका पहले से फंस गया है उसमें भी कहीं ना कहीं बाधाएं आने वाली है। मुरादाबाद से क्या क्या सामान ईरान के लिए निर्यात किया जाता है?
बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ डोमेस्टिक में जो आइटमें बनती हैं, गिफ्ट आइटम जाते हैं, फ्लावर वेसेज जाते हैं, वॉल प्लेट्स जाती हैं, और बहुत सारी जो ईरानी आइटम है जिसको हम खासकर चायदानी बोलते हैं, वो ईरान में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, और ईरान में जो चीज़ें पसंद की जाती हैं वही लोग हम वो चीज़ें ईरान भेजते हैं। तो अब क्या विकल्प कारीगरों के सामने रह जाता है या जो निर्यातक उनके सामने रह जाता है जब प्रतिबंध लग गया है, तो अब उस माल का कहाँ वो सप्लाई करेंगे? कहाँ देखिए, वो माल अब एक तरीके से स्क्रैप के रूप में रह जाएगा, और बड़ी दिक्कत ये है, एक तो हमारी इंडस्ट्री GST के वास्ते घाटे में चल रही है, 12,000 करोड़ रुपये की इंडस्ट्री घटकर 7,000 करोड़ रुपये की रह गई है, और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के बाद हम लोग और घाटे की तरफ जाने वाले हैं। एक तो हम लोग GST की मार झेल रहे थे, अब ऊपर से जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा है ये मुरादाबाद के दस्तकारों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, और मैं समझता हूँ कि लोगों को प्रतिबंध होना चाहिए, अपने अपने पॉलिसीज पर होना चाहिए, एक दूसरे के कारोबार पर कोई प्रतिबंध ना हो, मैं ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से मांग करता हूँ।